हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे एक बार फिर से हम लेकर के आए हैं आपके लिए कोस्टिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कोस्टिंग के बारे में। आखिर डिफरेंशियल कोस्टिंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा मतलब आज हम जानेंगे। देखिए, डिफरेंशियल कोस्टिंग, जिसको आप डिफरेंशियल एनालिसिस के नाम से भी जान सकते हैं या फिर इंक्रीमेंटल कोस्टिंग के नाम से भी जान सकते हैं, तो ये तीन वर्ड आपको एक ही के बारे में यूज़ किए गए हैं। डिफरेंशियल कोस्टिंग, आपका डिफरेंशियल एनालिसिस एंड इंक्रीमेंटल कोस्टिंग, ये तीनों टर्म्स इज़ यूज फॉर ओनली वन थिंग, यहाँ पर डिफरेंशियल कोस्टिंग, जो कि एक ये टेक्निक होती है। ये कोस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि मैनेजरल अकाउंटिंग अकाउंटेंट्स यूज़ करते हैं और मैनेजरल अकाउंटिंग में यूज़ की जाती है, ताकि आप एनालाइज कर सको क्या इम्पैक्ट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स, यहाँ पे एनालाइज किया जा सके वो इम्पैक्ट जो कि आपके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, आपके पास अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ऑन कॉस्ट एंड रेवेन्यू अवेलेबल है, उसका आप एनालिसिस कर सको। जैसे आपको एक प्रोडक्शन करना है, उसमें आपको रॉ मटेरियल लगाना है, अब उसमें और या फिर आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है कि या तो आप आइदर गो फॉर दिस प्रोडक्ट और इसमें जो है ये सारे रॉ मटेरियल्स लगाओ, या फिर दूसरा प्रोडक्ट बना करके उसमें वो सारे रॉ मटेरियल्स लगाओ। तो यहाँ पे आप इन दोनों अल्टरनेटिव्स का जो है एक तरीके से कंपैरिजन कर लो या फिर एनालिसिस कह लो, वो करते हो, पता करते हो कि किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना काम कैरी ऑन करते हो। यहाँ पे इन्वॉल्व होता है कंपेयर करना डिफरेंशियल कॉस्ट एंड रिवेन्यू बिटवीन डिफरेंट ऑप्शन टू एड डिसीजन मेकिंग, यानी जो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके बीच में कंपैरिजन करना, उनके बीच में कॉस्ट का कंपैरिजन करना और रिवेन्यू का कंपैरिजन करना कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट बना करके बेचा तो इतना कॉस्ट आएगा और इतना रिवेन्यू मैं जनरेट कर पाऊँगा, वहीं अगर मैंने ये ऑप्शन बी लिया तो मैं इतना प्रोडक्ट्स जो है बना पाऊँगा और इतना रिवेन्यू जनरेट कर पाऊँगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। डिफरेंशियल कोस्टिंग जो है फोकस करती हैं आपके डिफरेंस इन कॉस्ट एंड रिवेन्यू बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव्स रेदर देन द टोटल कॉस्ट और रिवेन्यू इनकर्ड, यानी यूजुअली कोस्टिंग जब शब्द पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ और कितना कॉस्ट उस प्रोडक्ट में लगा वो जान करके अपना प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं या फिर कॉस्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं। लेकिन डिफरेंशियल कोस्टिंग में क्या होता है, डिफरेंशियल कोस्टिंग में फोकस रखा जाता है किस चीज़ पर, डिफरेंस इन कॉस्ट, यहाँ पे कि भैया क्या डिफरेंस है कॉस्ट में या फिर रिवेन्यू में क्या डिफरेंस है, जहाँ पे आपके पास दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। सो यहाँ जो है आपके पास जो अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं उनके बीच का डिफरेंस को एनालिसिस किया जाता है। The key concept is to isolate the incremental cost and revenue that arise from selecting one alternative over another. यहाँ का जो key concept है वो क्या है, वो है कि आप यहाँ पे incremental cost को isolate करो, अलग करो और revenue जो कि आपको मिल रहा है उससे arise हो रहा है किसी भी एक alternative को choose करके जो कि दूसरे से ज़्यादा है उसको यहाँ पे आप देखो। By examining these differential, managers can evaluate the financial implementations of different decisions. जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें differentials जो है ये examine कर लोगे, managers उसके बाद क्या कर सकते हैं, evaluate कर सकते हैं कि क्या financial implementations बन रही हैं और क्या different decisions उनको लेने चाहिए। अब प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले आप अल्टरनेटिव्स देखिए कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शंस ऐसे हैं जिसमें आप अल्टरनेटिव्स अवेलेबल आपके पास हो रहे हैं। उसके बाद आप डिटरमाइन कीजिए रेलिवेंट कॉस्ट एंड रिवेन्यू, आइडेंटिफाई कीजिए स्पेसिफिक कॉस्ट क्या आ रही है एंड रिवेन्यू क्या आ रहा है जो कि रेलिवेंट होती है टू ईच अल्टरनेटिव और जो आपके लिए क्या करेगी, जो चेंज करेगी एज अ रिजल्ट ऑफ सिलेक्टिंग वन ऑप्शन ओवर अनदर। ये कॉस्ट एंड रिवेन्यू जो है ये रेफर्ड की जाती है डिफरेंशियल कॉस्ट एंड डिफरेंशियल रिवेन्यू से। सो यहाँ पे आप जो है रेलिवेंट कॉस्ट और रिवेन्यू डिफाइन कहोगे या फिर देखोगे कि कौन सा आपके लिए पड़ रहा है। एनालाइज करोगे डिफरेंशियल कॉस्ट एंड रिवेन्यू कि कंपेयर करके कॉस्ट एंड रिवेन्यू में ईच अल्टरनेटिव के जो कॉस्ट पड़ रहे हैं, जो रिवेन्यू पड़ रही है उसको जो है आप कंपेयर करोगे और एनालिसिस करोगे। एंड दिस एनालिसिस जो है आपको हेल्प करेगा असेस करने में कि क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट आपका पड़ रहा है डिफरेंट ऑप्शंस का एंड मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन।
डिसीजन मेकिंग, उसके बाद आप क्या करोगे उसको, इससे रिलेटेड जो भी आपको डिसीजन लेना है आप वो लोगे। यहाँ डिफरेंशियल कॉस्ट और रेवेन्यू जो है ये आपको कंसीडर करते हो आप, यहाँ पे अदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी, और फिर उसके बाद क्या करते हो, चूज़ करते हो वो ऑल्टरनेटिव जहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा हो और आप जो है यहाँ पे अपने डिज़ायर ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे हो। एडवांटेज क्या है आपका डिफरेंशियल कॉस्टिंग में, फोकस ऑन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पे फोकस किया जाता है कि भैया कौन कौन सा अल्टरनेटिव अवेलेबल है, उसमें कौन कौन सा खर्चा आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ये कॉन्सेंट्रेट होता है ऑन द कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो कि चेंज हो रहे हैं बिटवीन अल्टरनेटिव्स, दो अल्टरनेटिव्स के बीच में, और मैनेजर्स को ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है वो रेलिवेंट एंड एक्शनेबल इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मेशन ताकि वो सही डिसीजन ले सके। सिंप्लीफाई डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो तो आपके लिए इट मेक्स इट बिकम ईजियर कि भाई आप अपना डिसीजन सही तरीके से ले सको। मैनेजर्स जो है सीधा सीधा यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं ऑन बेस्ड ऑफ द फाइनेंशियल इम्पैक्ट कि भैया किसका कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको देख करके सिंपली डिसीजन ले सकते हैं। असिस्ट इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, यहाँ पे क्या है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग को भी असिस्ट किया जाता है। जैसे डिफरेंशियल कॉस्टिंग में क्या होता है, आप पर्टिकुलरली यूजफुल है आपके लिए शॉर्ट टर्म डिसीजंस के लिए जहाँ पे इन्वॉल्व होता है इमीडिएटली या फिर शॉर्ट लाइव्ड इफेक्ट कि भैया जल्द से जल्दी कुछ डिसीजन लेना है, प्राइसिंग डिसीजन लेना है, मेक और बाय डिसीजन लेना है, तो उस सिचुएशन में आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन मेकिंग यहाँ पे अच्छा बनता है। लिमिटेशन ऑफ डिफरेंशियल कॉस्टिंग, इग्नोर लॉन्ग टर्म इफेक्ट, यहाँ पे लॉन्ग टर्म का इफेक्ट जो है वो इग्नोर हो जाता है क्योंकि आज जो है आपको जो चीज़ ज़्यादा बेटर लग रही है कंपेयर टू द अनदर वन, फ्यूचर में जाकर के हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं यार फ्यूचर में अब जो है अब ऐसा लग रहा है कि वो उस समय पे अगर दूसरे ऑप्शन के साथ जाते तो भले ही उस टाइम प्रॉफिट कम होता बट आज प्रॉफिट ज़्यादा होता। तो यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स को जो है इग्नोर कर दिया जाता है डिफरेंशियल कॉस्टिंग में, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के इम्प्लीकेशंस जो के होते हैं डिसीजन में वो कंसीडर नहीं किए जाते। इट मे ओवरलुक कॉस्ट एंड बेनिफिट्स दैट अकर बियॉन्ड द शॉर्ट टर्म, यहाँ पे जो है ओवरलुक हो सकता है आपका कॉस्ट और बेनिफिट जो कि आपकी शॉर्ट टर्म से ज़्यादा बियॉन्ड में है, जैसे कि इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन क्या पड़ेगा। आपने सोच लिया कि ये दो ऑप्शन अवेलेबल है हम ये वाला ले लेते हैं क्योंकि ये सस्ता पड़ रहा है, बट हो सकता है कि वो प्रोडक्ट ख़राब हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर इससे सस्ता प्रोडक्ट यूज़ करेगी तो कल को जाकर के कंज्यूमर्स कंप्लेन करेंगे एंड इससे आपकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे सोचा नहीं जाता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इम्पैक्ट रखा जाता है कि भैया कौन सी चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन, एम्प्लॉय का मोरल या फिर फ्यूचर ग्रोथ के पोटेंशियल्स, इन सब को जो है इग्नोर कर दिया जाता है। अज्यूम किया जाता है ऑल अदर फैक्टर्स जो है वो कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशियल कॉस्टिंग में ये अज्यूम करके चला जाता है कि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो कॉन्स्टेंट है एक्सेप्ट फॉर द फैक्टर्स बीइंग एनालिसिस। इन रियलिटी हर एरिया में चेंज होता है, हर चीज़ में इफेक्ट पड़ता है और उसका रिफ्लेक्शन भी होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ को भी इग्नोर किया जाता है। रिलाइज ऑन एक्यूरेट डेटा एंड एजम्पशन, डिफरेंशियल कॉस्टिंग जो है हैविली रिलाय करती है ऑन एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा जो कि इफ द अंडरलाइंग डेटा और एजम्पशन यूज्ड इन द एनालिसिस आर फ्लॉड और इनकम्प्लीट द रिजल्टिंग कंक्लूजन एंड डिसीजन में भी मिसलीडिंग। यहाँ पे क्या है डिफरेंशियल कॉस्टिंग जो है हैविली रिलाइज होती है आपकी एक्यूरेट होती है एंड रेलिवेंट डेटा होता है, और यहाँ पे आपको इस सिचुएशन में जो आपका अजम्पशन है जो आप यूज या फिर आपका अंडरलाइंग डेटा है या अजम्पशंस हैं जो कि आप यूज करते हो एनालिसिस करने में वो फ्लोड हो जाता है या फिर आप अधूरा रह जाता है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि एक पूर्ण रूप से यहाँ पे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया गया जाता। So that's it for today guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.